स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, बिलासपुर में युवती से डॉक्टर ने किया रेप, शादी के बाद भी करता रहा दुष्कर्म, पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म, अब होगा डीएनए टेस्ट। छत्तीसगढ़ में युवती से दुष्कर्म मामले में पीड़िता, उसकी बेटी और आरोपी डॉक्टर का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। पहले डॉक्टर ने ऐसा करने मना कर दिया था, लेकिन अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने टेस्ट कराने का आदेश दिया है। ये घटना बस्तर संभाग के सुकमा जिले की है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत में बताया कि उसकी माँ इलाज कराने के लिए डॉक्टर सुखदेव सिंह गुरिया के पास जाती थी, तब वो 13 साल की थी। साल 2005 में डॉक्टर ने पहले छेड़छाड़ किया, फिर मारपीट और धमकी देकर रेप किया। युवती के अनुसार 18 साल की होने पर साल 2010 में उसकी शादी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुई थी। जब वो मायके आती थी तब डॉक्टर उसे ब्लैकमेल और धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता था। साल 2011 में डॉक्टर से उसने पहली बेटी को जन्म दिया, फिर उसने अपने पति से दूसरी बेटी को जन्म दिया। जब साल 2019 में अपने मायके आई थी तब आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ फिर संबंध बनाया, उसके मना करने पर मारपीट कर धमकी भी दी, जिससे परेशान युवती ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि आरोपी डॉक्टर 14 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला ट्रायल पर है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी डॉक्टर ने युवती के आरोपों को झूठा बताया है। पुलिस और कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया, जबकि पीड़िता माँ और बेटी का डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी थी। इसके बाद उसने आरोपी डॉक्टर का डीएनए टेस्ट कराने के लिए हाईकोर्ट में अपने वकील अमित बख्शी के माध्यम से याचिका दायर की, जहां सभी पक्षों की सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने पीड़िता, उसकी बेटी और आरोपी डॉक्टर का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में डीएनए टेस्ट कराने से ही सच्चाई सामने आएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर के कारोबारी ने भाई को मारी गोली, मर्डर के बाद मां को वीडियो कॉल कर कहा उसको मार दिया, फिर शहर में घूमता रहा। रायपुर के सफायर ग्रीप फेज 2 कॉलोनी में रविवार देर रात एक भाई ने अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया, सिर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। आरोपी करोड़पति बिजनेसमैन है। मर्डर के बाद आरोपी ने मां को वीडियो कॉल कर कहा कि उसे मार दिया, फिर वो कार में वो पिस्टल लिए घूमता रहा। हत्यारे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीयूष झा अपने छोटे भाई पराग के साथ ही रहता था, दोनों ड्रोन बनाने की कंपनी चलाते थे। बीती रात दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। खबर है कि पराग ने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया, इससे तैश में आकर पीयूष ने कबर्ड से पिस्टल निकाली और 3 गोलियां अपने ही छोटे भाई पर चला दी। पराग जमीन पर गिर पड़ा और पूरे फर्श पर खून बिखर गया। इसके बाद पीयूष ने माँ को वीडियो कॉल कर लाश दिखाई और कॉल डिस्कनेक्ट कर भाग गया। माँ इनसे अलग कैपिटल होम कॉलोनी में रहती है, उसने पुलिस को फोन किया। विधानसभा थाने की एक टीम देर रात मौके वारदात पर गई, दूसरी टीम ने शहर में नाकेबंदी कर पीयूष की तलाश शुरू की। पुलिस का दावा है कि शहर में तुरंत नाकेबंदी की गई, आरोपी के कार का नंबर और मोबाइल नंबर के लोकेशन से उसे दीदी नगर इलाके में पकड़ा गया। पुलिस पीयूष से अब पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि आरोपी नशे का आदी है। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली गई। पिस्टल के लाइसेंस का भी पता लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, भारी पड़ा ऑपरेशन थिएटर में रील बनाना, डीकेएस की 3 नर्स बर्खास्त। राजधानी के डीकेएस शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन थिएटर में 3 नर्स द्वारा रील बनाने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर इमरजेंसी वार्ड से वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रबंधन ने तीनों नर्स को हटा दिया है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि औरती में ये तीनों नर्स सिरिंज लेकर फिरता रहूं दर बदर और कोलावेरी डी गाने पर रील बना रही है। राज्य के शासकीय अस्पताल में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए दैनिक वेतनभोगी स्टाफ नर्स पुष्पा साहू, तेज कुमारी साहू और तृप्ति दासर को हटा दिया है। डीकेएस अस्पताल के डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि औरती में चप्पल पहनकर जाना माना रहता है। औरती में रील बनाने का वीडियो आया है, ये पूरा मामला कल रात का है। ये तीनों चप्पल पहने हुए थे, जबकि औरती में ये अलाउड नहीं है। उनका एक अलग से ड्रेस रहता है, वो पहनकर जाना जरूरी रहता है। इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, साथ ही यह अस्पताल है,
अस्पताल में रील बनाने का कोई नियम नहीं है, ऐसे में इनको निष्कासित किया गया है। ये तीनों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। फिलहाल उन्हें निष्कासित कर जांच की जा रही है। वन वार्ड के विभागाध्यक्ष और सिस्टर इंचार्ज ने पत्र लिखकर इस अनुशासनहीनता की जानकारी दी थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि ऑपरेशन थिएटर सेंसिटिव जगह होती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी यदि जानबूझकर ऐसा काम किया गया है तो उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाना उचित होगा। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नर्सों के समर्थन में आ गया है। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर नर्सों की सेवा बहाल करने का अनुरोध किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, लग्जरी कार में गांजा तस्करी, चार गिरफ्तार। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच के साथ जब्ती को लेकर चल रही थी सेटिंग, एसपी ने लगाई फटकार। बिलासपुर पुलिस ने लग्जरी कार में गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे दो हिस्ट्री शीटर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4,50,000 कीमती 45 किलो गांजा बरामद हुआ है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि तस्करों के पकड़ाने के बाद गांजा की मात्रा कम करने और कार की जगह स्कूटी की जब्ती बनाने के लिए आरोपियों और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच सेटिंग चल रही थी, लेकिन एसपी रजनेश सिंह को इसकी भनक लग गई। उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को कड़ी फटकार लगाई और गांजे के साथ कार को भी जब्त करने के निर्देश दिए। एसपी के तीखे तेवर देखकर टीम भी सहम गई और उनका खेल बिगड़ गया। ACCU के नोडल अफसर और चकरभाठा CSP कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि शनिवार की रात सूचना मिली थी कि तस्कर सिविल लाइन क्षेत्र में गांजा खपाने की फिराक में है। टीम ने भारतीय नगर मुक्तिधाम के पास पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान कार में गोलू खटिक 28 वर्ष, अभिषेक खटिक 28 वर्ष दोनों निवासी खटिक मोहल्ला तिकरापारा, सुंदर तेवर 29 वर्ष निवासी पचरी घाट जूना बिलासपुर और डेविड डिसूजा निवासी धौराभाठा कोटा को पकड़ा गया। कार की तलाशी लेने पर तीन ब्रीफकेस और दो बोरियों में 45 किलो गांजा मिला। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने 3 दिन पहले ओडिशा के बलांगीर से गांजा लाकर छिपाकर रखा था। शनिवार की रात वो गांजा बेचने के लिए मुक्तिधाम के पास ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बलांगीर के तस्करों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक खटिक पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट का भी केस दर्ज है। वहीं गोलू खटिक के खिलाफ कोतवाली थाने में मारपीट के मामले दर्ज है। पुलिस की टीम अभिषेक पर नजर रखे हुए थी। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 2700 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, 27 स्टेशनों का होगा रेनोवेशन, पीएम ने रखी 83 अंडर ओवरब्रिज की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे जोन के 27 स्टेशनों और 83 नए ब्रिज के लिए लगभग 2700 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद भी किया। जिन रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलेगी उनमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाईनगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली राजरा, भानुप्रतापपुर, निपनिया, मंदिर हसौद और भिलाई स्टेशन शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तिलदा नेवला, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, वटसा, चांदा फोर्ट और गोंदिया स्टेशनों में प्रस्तावित विकास कार्यों को किया जाना है। इतना ही नहीं, महासमुंद रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन किया जाएगा। हालांकि यह स्टेशन ईस्ट कोस्ट सेक्शन में आता है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अंडरब्रिज पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसी तरह उरला और बघेरा के अंडरब्रिज का संयुक्त कार्यक्रम उरला में रेलवे क्रॉसिंग पर सिद्धेश्वर मंदिर के पास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की वर्चुअली आधारशिला रखी गई। अहिवारा विधानसभा अंतर्गत सिरसा गेट भिलाई 3 में अंडरब्रिज का लोकार्पण और डी केबिन BMI चरोदा के अंडरब्रिज की सुविधा भिलाई 3 चरोदा नगर निगम की जनता को मिलेगी। पाटन विधानसभा अंतर्गत कुम्हारी रेलवे क्रॉसिंग के पास अंडरब्रिज की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत रिसमड़ा स्टेशन के पास अंडरब्रिज और दल्ली राजहरा रूट पर रिसामा के पास अंडरब्रिज की सौगात मिलेगी। दल्ली राजहरा रूट पर ही कचांदूर से पहले ग्राम पर सदा के पास अंडरब्रिज की सुविधा मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही अग्निवीर योजना होगी रद्द, लोकसभा से पहले भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, कहा फिर से शुरू होगी पक्की भर्ती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को एक्स पर बड़ी घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही अग्निवीर योजना रद्द होगी, फिर से पक्की भर्ती शुरू होगी। हालांकि योजना शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती आई है। कांग्रेस के साथ साथ ऐसे कई युवा भी हैं जो इस योजना का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार अपनी यात्रा के जरिए अग्निवीर के युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही युवाओं से मुलाकात की थी। अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर अनगिनत युवाओं के सपने नष्ट कर दिए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप फोटो शेयर किया था जिसमें वे कुछ युवाओं के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में राहुल ने लिखा कि ये सभी युवा बिहार के चंपारण से आए हैं। रायपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट जनरल एम के दास ने बताया कि सेना में इस योजना के तहत बेस्ट कैंडिडेट मिलेंगे। 75% युवा जो सर्विस से बाहर जाएंगे वो एक स्किल युवा होंगे। देश की दूसरी फोर्सेस में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। सेना से बेस्ट ट्रेन्ड युवा को रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। 4 साल बाद जो अग्निवीर से बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एकमुश्त मिलेंगे। इससे वो अपने रोजगार की दिशा में काम कर सकते हैं। योजना के मुताबिक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। आर्मी में सैनिक, जवान, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, राजिम कुंभ में जमा रंग, उमड़ने लगा जनसैलाब। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति, लोग कर रहे कुलेश्वर महादेव के दर्शन। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम कुंभ कल्प मेले के दूसरे दिन रविवार को भारी भीड़ उमड़ी। छुट्टी होने की वजह से सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। हालांकि इस बार मेला का आयोजन रामोत्सव के रूप में किया गया है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार राजिम पहुंचकर मेला का आनंद ले रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले लोग पहले भगवान श्री राजीव लोचन और श्री कुलेश्वर महोदव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रस्सी और बांस की लेकी से घेराव किया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु बारी बारी से सुविधापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों की भीड़ नदी में लगे विभिन्न स्टॉल प्रदर्शनी की ओर पहुंच रहे हैं। यहां शासन के जनकल्याणकारियों को जानकारी स्टॉल में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दी जा रही है। वहीं कई ऐसे स्टॉलों में लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ शिक्षा, पर्यटन, आदिवासी कलाकृति को देखने उमड़ रही है। वहीं राजिम मेला आकर्षण का केंद्र बने राम वनगमन चलित झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास बने सांस्कृतिक मंच में स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम को देखने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा मंच स्थल दर्शकों से भरा रहा। नदी परिसर में ही विभिन्न भंडारे में भोजन के लिए भीड़ देखी गई। इधर मीना बाजार में झूला, खिलौने की दुकान, मौत की कुआ, आइसक्रीम, पानी पूरी, भेल और की दुकान में अपने पसंद की चीजें लेने के लिए एकत्रित रहे। संध्याकालीन महानदी आरती के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर महानदी की आरती में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, प्रतापपुर में बवाल, 10 साल के बच्चे को अगवा कर मांगी 6 लाख की फिरौती, लाश मिलने पर उबला शहर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्कूली बालक ऋषु कश्यप की नरसंहार हत्या के विरोध में आज सोमवार को प्रतापपुर बंद है। लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग नागरिकों ने की है। लोगों के विरोध को देखते हुए नगर और आरोपियों के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शहर के सभी स्कूल भी इस घटना के विरोध में बंद है। दरअसल 29 जनवरी से लापता छात्र ऋषु कश्यप की तलाश में जुटी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पड़ोस के 2 संदिग्ध युवकों ने पूछताछ में बालक का फिरौती के लालच में अपहरण कर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद शव को शहर से लगे करसी के जंगल में जला दिया और उसके अवशेष को इधर उधर फेंक दिया। इधर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग बालक की नरसंहार हत्या से उपजे दर्द को बयान करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और उनके परिवार वालों को भी प्रतापपुर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। दोनों हत्यारों के स्वजन लोगों के आक्रोश को देखते हुए दरी सहमी हालत में अपने अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं। आरोपियों के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। दोनों ही आरोपी अपने घर से लगी दुकानों में अलग अलग रूप से बिरयानी की दुकान भी चलाते थे। लोगों का कहना है कि बिरयानी के साथ दोनों आरोपियों की दुकानों में शराब की बिक्री भी जाती थी। साथ ही दोनों आरोपी गांजा, नशीला सिर्फ भी सप्लाई करते थे।
ऐसी चर्चा भी है कि बच्चे की हत्या करने के बाद आरोपियों द्वारा फिरौती की मांग की जा रही थी। आरोपियों के द्वारा बच्चे के स्वजनों से किसी अन्य माध्यम से कहा जा रहा था कि 6 लाख दे दो बच्चा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। प्रतापपुर जंगल में अज्ञात शव के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की शिनाख्त बीते 29 जनवरी को गायब हुए 10 वर्षीय ऋषु कश्यप के रूप में हुई थी। जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, लोग बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सड़क किनारे खड़ी आरोपियों की कार में आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहले तो गाड़ी में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। आपको बता दें कि ऋषु बीते 29 जनवरी को घर से अपने पिता के साथ होटल जाने के लिए निकला था, तभी रास्ते से वो गायब हो गया था। तब से पुलिस लगातार ऋषु पतासाजी में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए थाने का घेराव किया था। पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ऋषु के जले हुए शव को जंगल से बरामद कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कोई जबरदस्ती उत्पात मचाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात कही है।